मुंगेली जिले के पथरिया लोरमी में भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने आयोजित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसका समापन आज हुआ। इस मौके पर प्रदेश प्रतिपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने चित्रकला प्रदर्शनी विकास की नई उड़ान को देखा और केंद्र सरकार के दर्जन भर योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए सराहना की, ताकि केंद्र सरकार की ओर से लोगों के लिए संचालित किए गए योजनाओं का फायदा हर वर्ग के लोगों तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं की शुरुआत की गई है, यही नहीं केंद्र सरकार की ओर से सभी वर्गों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें किसान, गरीब, महिलाओं और बच्चों के लिए भी योजना संचालित है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद बच्चों से केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं के संबंध में सवाल पूछे गए और सही जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। वहीं इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में लोरमी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्से लिए। वहीं साथ ही लोरमी महाविद्यालय में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण भी आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सेवा आयोजना IQSC संयुक्त जिला स्वास्थ्य मिशन समिति मुंगेली के द्वारा तंबाकू नशा पान से दूर रहने की एवं लोगों में जन जागरूकता फैलाने की बात प्रोफेसर नरेंद्र सरूजा ने कही। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।